नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। गाजीपुर से सांसद अफजल अंसारी की क्रिमिनल अपील पर गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सभी पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की और सभी को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अफजल अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 4 साल की सजा के खिलाफ अपील दायर की। उन्होंने कृष्णानंद राय मर्डर केस में गाजीपुर कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी, इसे रद्द करने के लिए अफजल अंसारी की तरफ से मांग की गई है। इस मामले में शिकायतकर्ता पीयूष राय और सरकार ने सजा बढ़ाने की अपील की है। वही जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच के मामले की सुनवाई कर रही, कई दिनों से अफजल अंसारी मामले पर सुनवाई चल रही है जो आज पूरी हो गई। वही 2005 में तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद अफजल पर गैंगस्टर एक्ट लगा था और इस मामले में अगर अफजल को दोषी करार दिया जाता है तो वह अपनी संसद सदस्यता को खो देंगे क्योंकि सजा 2 साल से अधिक की है। वही अफजल ने 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर सीट जीती थी और गाजीपुर में एमपी एमएलए कोर्ट से 29 अप्रैल 2023 को अफजल को गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार देते हुए 4 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इस मामले में उनके छोटे बेटे मुख्तार अंसारी को भी 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और इसके बाद अफजल को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद अफजल ने हाईकोर्ट में मौजूदा आपराधिक अपील दायर की थी। 24 जुलाई 2023 को हाईकोर्ट ने अफजल को जमानत दे दी थी लेकिन मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि अफजल को जेल से रिहा कर दिया गया है लेकिन उनकी संसद सदस्यता बहाल नहीं हुई है। इसके अलावा वह भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हो गए हैं क्योंकि उन्हें दी गई सजा 2 साल से अधिक थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी जिसकी वजह से उनकी सदस्यता बहाल हो गई और वह लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भी पात्र हो गए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की सुनवाई में तेजी लाने और 30 जून तक मामले का फैसला करने का निर्देश दिया है। इस बार आपको बता दें, मायावती ने जब अपनी पार्टी में जगह नहीं दी तब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने उनको लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दे दिया। अब इस बार जो टिकट से जीत कर वो कहीं ना कहीं सांसद तो बन गए लेकिन अभी भी उनकी सदस्यता पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे में क्या अफजल अंसारी इस बार भी अपने संसद की सदस्यता से हाथ धो बैठेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।